निर्भया के कातिलों का नया डेथ वारंट, 3 मार्च सुबह 6 बजे होगी फांसी। तीसरी बार तय हुई है फांसी की तारीख। चारों कातिलों विनय, मुकेश, अक्षय और पवन को एक साथ मिलेगी सजा। पटियाला हाउस कोर्ट से जारी हुआ नया डेथ वारंट, तिहाड़ जेल में फांसी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में दोषियों की तरफ से कानूनी अधिकार इस्तेमाल नहीं करने का जिक्र किया, फांसी से बचने की टैक्टिक्स माना। नया डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया की मां ने खुशी जाहिर की, कहा उम्मीद है इस बार फांसी होगी। दिल्ली सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने पास कोई विभाग नहीं रखे। सत्येंद्र जैन के पास दिल्ली जल बोर्ड का जिम्मा, राजेंद्र पाल गौतम को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया। गोपाल राय को पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया, बाकी विभागों में फेरबदल नहीं। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय मनीष सिसोदिया के ही पास होगा, स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे सत्येंद्र जैन। दिल्ली में रिकॉर्ड सफलता के बाद देशभर में सदस्यता अभियान चलाएगी आप, 23 फरवरी से 23 मार्च तक 1-1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य। शाहीन बाग के लोगों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टीम बनाई, वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बातचीत के जरिए शाहीनबाग के लोगों को समझाएं, पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला को भी मीडिएटर बनाने का सुझाव। शाहीनबाग प्रदर्शन और रोड ब्लॉक मामले पर अब सोमवार को फिर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन का वैकल्पिक जगह बताने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर वक्त बंद नहीं रख सकते, सड़क अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं। सुप्रीम कोर्ट का प्रदर्शनकारियों से सवाल पूछा, ऐसे हर कोई सड़क पर उतरेगा तो क्या होगा। शाहीन बाग पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, का समय लेकर गृहमंत्री से बात कर सकते हैं प्रदर्शनकारी। शाहीन बाग में गृहमंत्री के जाने की मांग को रविशंकर प्रसाद ने खारिज किया, कहा वहां सिर्फ हंगामा होता है। शाहीन बाग में आज भी जारी है प्रदर्शन, सड़क पर काली पट्टी बांधकर बैठी महिलाएं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का 2 टूक जवाब, कहा जब तक CAA वापस नहीं होगा धरना नहीं हटेगा। शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल पर तेजी से घटी भीड़, मौके पर अब सिर्फ कुछ 100 लोग। चेन्नई में शाहीनबाग के समर्थन में प्रदर्शन के बीच निकाह की तस्वीरें सामने आई, प्रदर्शन के बीच मौलवी ने निकाह कराया। देशभर के 154 प्रबुद्ध लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, CAA, NPR और NRC पर भ्रम फैलाने पर एक्शन की मांग। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने वालों में कई पूर्व जज, ब्यूरोक्रेट शामिल, देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। यूपी के संभल में CAA प्रोटेस्ट के दौरान मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, मोदी और शाह की तुलना आतंकवादी से। मौलाना तौकीर रजा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के लिए भी आपत्तिजनक शब्द कहे, गोडसे की तरह बंदूक उठाने की धमकी। जामिया हिंसा पर दिल्ली पुलिस और केंद्र को नोटिस, स्टूडेंट मुजीब 2 करोड़ हर जाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा समन। जामिया हिंसा का एक और वीडियो, लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़कर घुसती देखी पुलिस, एक एक करके कई पुलिस वाले लाइब्रेरी में दाखिल हुए। जामिया में पुलिस की कार्रवाई का बीजेपी ने समर्थन किया, CVL नरसिम्हा राव ने कहा किसी को भी हिंसा फैलाने की छूट नहीं। जामिया वीडियो पर दिल्ली पुलिस की सफाई, कहा यूनिवर्सिटी गेट पर पुलिस पर पथराव करके लाइब्रेरी में घुसे छात्र। दिल्ली पुलिस का दावा, CCTV में पत्थर फेंकते छात्रों में से कई लाइब्रेरी में जाकर बैठे, फुटेज का किया गया मिलान। कर्नाटक की हुबली में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार 3 कश्मीरी छात्रों की पेशी, कोर्ट के बाहर हिंदू संगठनों की नारेबाजी। राष्ट्रपति ट्रंप के आने से पहले उनके कारों की फ्लीट गुजरात पहुंची, US एयरफोर्स प्लेन अहमदाबाद आया। अहमदाबाद में होने वाले नमस्ते ट्रंप समारोह पर शिवसेना ने उठाई आपत्ति, पूछा दौरे पर 100 करोड़ का खर्च क्यों। आगरा में ट्रंप के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू, केंद्र ने यूपी सरकार को आधिकारिक जानकारी दी। आगरा में ताजमहल के रास्ते को चमकाने का काम शुरू, सड़क किनारे खुली ड्रेन्स को ढका जा रहा है। ताजमहल परिसर के अंदर ट्रंप को कैसे ले जाया जाए इस पर मंथन जारी, प्राइवेट कार या बैटरी व्हीकल पर फैसला होना बाकी। राष्ट्रपति कोविंद ने दमन में हाईटेक हेल्थ सेंटर और आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया, पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर सुविधाएं। अहमदाबाद में माइग्रेटरी बर्ड्स कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने में जुटी है सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा भारत में बाघों की संख्या 2,970 पहुंची, संख्या को दुगना करने के टारगेट को 2 साल पहले ही पूरा कर दिया। नई टीम बनाने की तैयारी में जुटे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, सभी प्रदेश इकाई से मांगे राष्ट्रीय टीम के लिए नामों का सुझाव। अलग अलग भाषाओं में लिखने वाले कॉलमनिस्ट से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, दिल्ली में कल मुलाकात। मोहन भागवत ने कहा पहले का भारत गांधी के सपनों का भारत नहीं, अब गांधी जी की कल्पना का भारत बनाने की शुरुआत। बनारस से चलने वाली महाकाल एक्सप्रेस में मंदिर पर ओवैसी ने उठाया सवाल, PMO को ट्वीट करके संविधान की प्रस्तावना की। ट्रेन में मंदिर पर ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, पूछा पहले ये बताएं उनकी पार्टी का नाम मुस्लिम से क्यों शुरू। मुंबई के मझगांव में GST भवन में आग, कई फीट ऊपर तक फैला धुएं का गुबार, 5 घंटे बाद बुझाई गई आग। आग की खबर मिलते ही CM और DC मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने हालात पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा की ग्रीन वेस्ट सोसाइटी की बिल्डिंग में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग तेजी से फैली, फायर फाइटर्स ने घंटे भर में बुझाई। महिला अधिकारियों को सेना में मिलेगा अब स्थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। कॉम्बैट ऑपरेशन छोड़कर 10 भागों में कमीशन देने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में आदेश लागू करने को कहा। महिला अफसरों को सेना में स्थायी कमीशन देने पर लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा सिंह ने जताई खुशी, बोली सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक। दिल्ली के गार्गी कॉलेज छेड़खानी मामले में हाईकोर्ट ने CBI और पुलिस को नोटिस जारी किया, 30 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। CISF ने IGI एयरपोर्ट से 2 लाख रियाल
और 2000 कुवैती दिनार के साथ एक शख्स को पकड़ा। परफ्यूम की बोतल और पाउच में रखे थे पैसे। कोलकाता, जयपुर और चेन्नई में कई गोल्ड शोरूम्स पर छापेमारी। 27 किलो सोना, 12 किलो चांदी के साथ 4.25 करोड़ करेंसी जब्त। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए जांच से नाराज, शरद पवार की एनसीपी मंत्रियों के साथ बैठक, सरकार के कामकाज की समीक्षा की। भीमा कोरेगांव मामले की एसआईटी जांच भी करवाएगी महाराष्ट्र सरकार। उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक का पवार के साथ मीटिंग के बाद ऐलान। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने एनसीपी की मीटिंग पर कसा तंज, कहा महागाड़ी में बिगाड़ी की हो चुकी है शुरुआत। एमपी में सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य में विवाद जारी। सिंधिया ने अब मैनिफेस्टो के मुताबिक नियोजित टीचर्स को रेगुलर करने की मांग की। किसान कर्ज माफी पर पीछे हटने के बाद कमलनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना बंद की, खाली खजाने का हवाला दिया। पूरी पार्टी के साथ बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। रांची में हुए समारोह में अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद। 14 साल बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा झारखंड घूमने का एक्सपीरियंस अब पार्टी के काम आएगा। बिहार में तेजस्वी की बेरोजगारी हटाओ यात्रा के खिलाफ पटना में जेडीयू ने पोस्टर लगाए, सामाजिक न्याय का ढोंगी और जालसाज बताया। तेजस्वी की बेरोजगारी हटाओ यात्रा का जेडीयू के कई बड़े नेताओं का समर्थन। एमएलसी जावेद इकबाल ने कहा युवाओं के भविष्य के लिए सड़क पर उतरना अच्छा कदम। आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान, रिजर्वेशन वंचितों का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संवैधानिक सुधार की मांग। आरक्षण के मामले पर बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार से रिव्यू पिटीशन फाइल करने की मांग। बेंगलुरु में जम्मू कश्मीर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज से शुरुआत, देश समेत दुनिया भर के निवेशकों के प्रस्ताव पर विचार। नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों का हंगामा, मुआवजे में बढ़ोतरी और प्लॉट में 10% शेयर को लेकर अथॉरिटी के मेन गेट पर धरने पर बैठे। किसानों ने नोएडा अथॉरिटी का मेन गेट तोड़ा, पुलिस के साथ भारी धक्का मुक्की। गाजियाबाद में एशिया कोलंबिया हॉस्पिटल के पास NH-24 के किनारे हादसा, पानी की लाइन बिछाते मिट्टी में दबे मजदूर। अमेठी में गौरीगंज टोल प्लाजा पर मारपीट, टोल के पैसे मांगने पर दबंगों ने लाठी डंडों से कर्मचारियों की पिटाई। यूपी के चंदौली में जीआरपी ने हथियार सहित तस्करों के इंटरस्टेट गिरोह को पकड़ा। हजारीबाग से मुरादाबाद में होने वाली थी डिलीवरी। यूपी में बिजली बिल बकाए पर बड़ी पहल, मंदिर मस्जिद और मदरसों के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है स्कीम में बिल चुकाने की जानकारी। किश्तों में बिल जमा करने का सरकारी पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं पुजारी और मौलवी। लोगों से बकाया जल्द से जल्द भुगतान करने की अपील। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, राजा कुरैशी और रमेश बहादुर नाम के दो क्रिमिनल ढेर। दोनों बदमाशों ने दिल्ली में कई वारदातों को दिया था अंजाम। 12 फरवरी को करावल नगर में मर्डर के बाद हुआ एक्शन। पंजाब के लुधियाना में गोल्ड लोन कंपनी में बड़ी लूट, 30 किलो सोना और 3.5 लाख कैश ले गए 4 हथियारबंद बदमाश। असम के कछार से पुलिस ने 2 संदिग्ध ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए, करीब 1 लाख प्रतिबंधित ड्रग टैबलेट्स जब्त। केरल पुलिस अकादमी ने के मेन्यू से बीफ हटा, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा राजनीतिक फायदे के लिए लेफ्ट और सीपीएम ने मेन्यू बदला। त्रिवेंद्रम में क्राइम ब्रांच ने पुलिस आर्म्स स्टोर में अचानक औचक निरीक्षण किया, राइफल गायब होने की खबर गलत बताई। गुजरात में सहजानंद कॉलेज मामले में कड़ी कार्रवाई, लड़कियों की शिकायत पर कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 2 स्टाफ सस्पेंड। मुंबई के नजदीक थाने में मंदिरों की दानपेटी उड़ाने वाले 3 लोग गिरफ्तार, चोरी से पहले भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगते थे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में दिखा अति दुर्लभ तेंदुआ, चीन बॉर्डर के नजदीक दिखे स्नो लेपर्ड की तस्वीर वायरल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में टाइगर ने किया टूरिस्ट बस का पीछा, अचानक बस के पीछे लगे पर्दे को पकड़ा। पर्यटक बस के पर्दे को पकड़ने के बाद टाइगर को घसीटना पड़ा महंगा, वन विभाग ने लिया एक्शन, ड्राइवर और क्लीनर सस्पेंड। T20 रैंकिंग में कप्तान विराट कोहली को लगा झटका, 9वें से 10वें रैंक पर पहुंचे। डुप्लेसी ने छोड़ी T20 और टेस्ट की कप्तानी, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने की घोषणा। तीसरे T20 में जीत के बाद इंग्लैंड को झटका, अफ्रीका के खिलाफ स्लो ओवर की वजह से मैच फीस का 20% जुर्माना। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार गिरा, सेंसेक्स में 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 67 अंक नीचे आया। वित्त मंत्री ने फिर दोहराया इकॉनमी तेजी से पटरी पर लौटने को तैयार, बुरे दिन बीत गए। स्लोडाउन से बाहर निकलती इंडियन इकॉनमी पर कोरोना इफेक्ट का खतरा, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने विकास दर का अनुमान घटाकर 5.4% किया। AGR मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं, भुगतान नहीं होने पर कंपनियों की बैंक गारंटी बढ़ाने पर विचार। कोरोना की वजह से एशिया के कई देशों ने अपनी विकास दर का अनुमान घटाया, सिंगापुर चीन की GDP में भी गिरावट की आशंका। वुहान से लाए गए 400 भारतीयों को 200 लोगों को ITBP आइसोलेशन सेंटर से रिहा किया गया, फाइनल टेस्ट में कोरोना का लक्षण नहीं मिला। लगातार 18 दिन तक वुहान से आए लोगों को ITBP के छावला कैंप में रखा गया, 406 यात्रियों की हुई विशेष निगरानी। ऑपरेशन वुहान में शामिल एयर इंडिया के कर्मचारियों को मिला प्रधानमंत्री का प्रशंसा पत्र, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बांटी चिट्ठियां। जापान में कोरोना वायरस के डर की वजह से टोक्यो मैराथन पर रोक, 1 मार्च को होने वाली थी प्रतियोगिता। चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1700 के पार। दक्षिण अफ्रीका में भी 29 नए मामले, जापान में क्रूज पर 99 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में दूसरी हिंदू लड़की अगवा, मनजिंदर सिरसा का बयान, इमरान के राज में जानबूझकर हिंदुओं पर टॉर्चर। पाकिस्तान के क्वेटा में बम ब्लास्ट, 7 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। बुर्किना फासो में चर्च पर बंदूकधारी का हमला, 24 लोगों की मौत।
फिल्म तेजस में एयरफोर्स पायलट बनी कंगना रनौत फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।